सबसे पहले तो गुवाहाटी चार्ट भवन के अंदर जो आपने ऐतिहासिक जानदार शानदार स्वागत किया, उसके लिए गुवाहाटी के अंदर जाट समाज के साथ साथ मेरे अन्य समाजों के भाई भी जो सुबह एयरपोर्ट में भी स्वागत करने के लिए आए, यहां भी उपस्थित है, और हमारी माताएं बहनें छोटे बच्चे सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने गुवाहाटी की धरती पे, असम की धरती पे, पूर्वांचल की धरती पे हमारा मान और सम्मान किया। और आज पूरा दिन आप लोगों ने 3 बजे से आप इंतजार कर रहे थे, हम भी आज मतलब पहले तो हम यहाँ लेट हो गए आने के अंदर, फिर मंदिर के दर्शन करने गए, वो भी दर्शन पूरे नहीं हुए, तो कामाख्या माता जी ने हमें वापस कल वापस बुला लिया, नहीं तो कार्यक्रम वहां से शिलोंग जाने का था कल तवांग से शिलोंग, लेकिन फिर वहां से एक बार यहाँ आएंगे और उसके बाद कल दर्शन करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा जनरल डीपी वत्स साहब का, जो पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं और सेंट्रल हॉल के अंदर अक्सर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में सेंट्रल हॉल है जहां मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं, और हमारी कमेटी के अंदर डिफेंस कमेटी के अंदर अगर सबसे ज्यादा अनुभवी कोई व्यक्ति है जिनको इस रक्षा समिति का सबसे ज्यादा अनुभव है तो डीपी वत्स साहब को बैठे बैठा है। जब कई प्रतिनिधि हो रहे थे तो मुझे वत्स साहब के जो मैं देखता हूं कि इतना बड़ा अनुभव, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जाट रेजिमेंट को हेड किया और हमेशा हमारी कौम के प्रति हरियाणा के अंदर भी हर संघर्ष के अंदर साथ रहे। मैं धन्यवाद देता हूं वत्स साहब का। वैसे चलना तो बहुत सारे सांसद आना चाहते थे, लेट हो गए, कल एक बार फिर प्रयास करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम और कार्यक्रम रखेंगे। सबकी इच्छा भी थी कि आपके यहाँ बीच में आए, और मैं जो राजस्थानी प्रवासी संघ हमारा नोखा से भी नागौर से भी उनका भी कार्यक्रम रखा था 5-5:30 बजे, बाजार बंद हो जाते हैं आपके यहाँ जल्दी, तो फिर उनका कार्यक्रम आज कैंसिल कर दिया। आप लोगों ने कहा रात के 12 बज जाए 2 बज जाए क्योंकि जाट जिद्दी होते हैं, रक्षाबंधन कार्यक्रम मैंने कहा ठीक है कार्यक्रम आज कर लेते हैं, वो बड़ा कल देख लेंगे अगर होगा तो। मैं धन्यवाद दूंगा धनपत सिंह जी भुकर साहब का, भाई गणेश राम जी का। धनपत सिंह जी ने शुरुआत मेरे हिसाब से तो 1990 के दशक के अंदर बहुत कम लोग इस साइड में आया करते थे, और बीच में बहुत बड़ा उल्फा का आतंक भी आसाम के इलाकों के अंदर कभी बोड़ो के आंदोलन चलते थे, और आसाम हमेशा अशांत इलाका माना जाता था, नक्सलाइट भी आसाम के अंदर थे, लेकिन आज आसाम के अंदर मैंने राष्ट्रवाद की भावना देखी। हर आसामी, आसाम के एमपी जब लोकसभा के अंदर हमसे मिलते हैं वो हिंदी बोलने का पूरा प्रयास करते हैं और वंदे मातरम भारत माता का जयकारा सीना तान के करते हैं। तो भाइयों पूर्वांचल को अगर आगे बढ़ाने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इस नॉर्थ ईस्ट के इलाके को दिल्ली से सीधा जोड़ दिया और यहाँ विकास के रास्ते खोल दिए। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर मोदी जी के साथ है, लेकिन राजस्थान की सरकार के खिलाफ आरएलपी पार्टी के जो 3 विधायक मेरे हैं, अभी चुनाव हुआ सरकार ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन नौजवानों के सहयोग से मेरे प्रवासी भाई जो गुवाहाटी के अंदर बैठे हैं, चाहे मद्रास के अंदर बैठे हैं, चाहे मेघालय के अंदर है, चाहे गुजरात महाराष्ट्र के अंदर है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे माध्यम से भी, एक तरफ राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ रही थी, अशोक गहलोत खुद चुनाव को हैंडल कर रहे थे, दूसरी तरफ किसान के बेटे और किसान की बेटियां उस गहलोत को भगाने के लिए रात और दिन एक करके सारी चुनाव की आचार संहिता जो धजिया राजस्थान के अंदर उड़ी, 10,000 से ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान लगा के जिस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लेकिन आप हिम्मत नहीं आ रहे, और जो 3 सीट आरएलपी जीती थी एक मेरे एमपी बनने के बाद कम हो गई, और आपने 3 सीट वापस करके मेरे परिवार से मेरे छोटे भाई को जिता के राजस्थान की
किया। भाइयों इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूं कि अंदर अभी जो बिल कर्नाटक की सरकार लेके आई थी, जो बिल जो प्रवासी राजस्थानियों सहित देश के दूसरे तमाम उन व्यापारियों के लिए जो जिन्होंने निवेश किया कर्नाटक के अंदर, वो तकलीफ के अंदर पड़ गए थे, उस समय भी दिल्ली के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अमित शाह जी से हम लोगों ने बात करी और भारतीय जनता पार्टी के जो जो नेतृत्व है उनसे बात करके कर्नाटक के हमारे भाइयों को कैसे रिलीफ मिले। इस मामले के साथ साथ तमाम देश के जो भी मुद्दे हैं, नौजवानों का मुद्दा, सबसे ज्यादा देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है और हनुमान बेनीवाल कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से राजस्थान की विधानसभा और हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि किसान के बेटे को डिग्री करने के बाद नौकरी मिले और नौकरी नहीं मिले तो उसको ऐसा काम काज मिले जिससे वो अपने परिवार का पेट पाल सके, आगे बढ़ सके और हिंदुस्तान के समाज के सपनों को साकार कर सके। दूसरा जो इश्यू है, आज किसान आजादी के 70 साल बाद आत्महत्या कर रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी और समर्थन मूल्य की खरीद MSP बड़ी इस देश के अंदर, और जो फसलें समर्थन मूल्य की श्रेणी के अंदर नहीं आती थी उनको भी समर्थन मूल्य की श्रेणी के अंदर लाए। और एक सबसे बड़ा काम जो इस देश के अंदर हुआ, 70 साल से जो नासूर बन चुका था धारा 370 और 35 से जिसको कोई छेड़ना नहीं चाहता था, कश्मीर के अंदर आप जमीन का एक टुकड़ा नहीं खरीद सकते थे भाइयों, 35 से को हटा के प्रधानमंत्री ने दे दिया सामने देखने की हिम्मत। और कश्मीर के अलगाववादी आतंक को पनाह देने वाले आतंक को चैलेंज किया कि तुम जो कह रहे हो ना कि खून की नदियां बह जाएगी अगर धारा 370 हटी, तुम चुपचाप सो जाओ नहीं तो तुम बह जाओगे या उड़ जाओगे। और आप ये बताओ धारा भी हुई क्या? कोई एक अजगरा जरूर फटा था कल श्रीनगर में, लेकिन उससे एक आदमी की मौत हुई, वो भी घटना दुर्भाग्य, धीरे धीरे काबू में आएगा मामला सारा। अभी लंबी लड़ाई हमें लड़नी है क्योंकि इस राष्ट्र को कमजोर करने के अंदर कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान था। जनरल साहब हम बैठे बात कर रहे थे कि जिन इलाकों के अंदर हम गए, चाहे नाथुला का बॉर्डर हो, चाहे दूसरे इलाके हमने देखे, असम जो आपकी बांग्लादेश और म्यांमार से जो रोहिंग्या बंगाल के अंदर असम के अंदर घुस गए, यहाँ के वोटर बढ़ गए और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रहते और हिंदुस्तान के खिलाफ बात करने की हिम्मत करने लगे, तो भाइयों हमें भी मोर्चा संभालना है, हमें उठ खड़ा होना है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो रोटी हिंदुस्तान की गायक खाएगा और गीत पाकिस्तान के गाएगा, तो उसको अब यहाँ रहना नहीं दिया जाएगा। ये भी हिंदुस्तान में कर लिया है, मेरी ताकत तो नौजवान है और नौजवानों को हौसले के बल पर हनुमान बेनीवाल ने, एक किसान के बेटे ने नई पार्टी राजस्थान के अंदर पढ़ाई। 1952 से लेकर नेता तो बड़े बड़े हुए राजस्थान के अंदर, खुद की पार्टी कोई नहीं बना पाया, पार्टी बनाई, 57 उम्मीदवार लड़ाए और अपने भाइयों का भी ध्यान रखा, खुद के विधायक बढ़ाए खुद की कौम के। और भाइयों मेरी सीटें कम नहीं होगी, 3 विधायक मेरे बने, 10 लाख वोट आए। और जब राष्ट्र हित का मामला आया तब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरा सर्वे और करवाया मैंने इधर उधर से, तब सबकी इच्छा थी कि मैं मोदी जी को समर्थन करूं और हनुमान ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया और कांग्रेस को राजस्थान से उखाड़ के फेंक दिया। और अशोक गहलोत जो अपने आप को जादूगर कहता है, अशोक गहलोत के बेटे को उसके घर के अंदर जाकर 3 लाख से ज्यादा वोटों में हरा के अशोक गहलोत की जादूगरी का खिताब छीन लिया और उसे सपेरा बना दिया। और सपेरे की नागिन कौन है तो आप जानते ही हो ना। तो मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल के अंदर RLP का मैंने गठन किया, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और बेरोजगारों को रोजगार। बच्चा मैंने लोकसभा के अंदर ही मामला उठाया, मैंने कहा देश टोल मुक्त होना चाहिए, तब मुझे बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि आप तो NDA के सपोर्ट में हो, मैंने कहा मैं NDA के सपोर्ट में हूँ लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए, हर खेत को सिंचाई का पानी मिले और देश टोल मुक्त। और भाइयों मैंने लोकसभा के अंदर तमाम इन मुद्दों को जिनको लेकर मैंने RLP का गठन राजस्थान के अंदर किया,
हुकाय भरी, मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, सत्ता के अंदर भागीदारी दिलाऊंगा। 18% की वो आबादी, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर 7% यादव अगर अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो 18% की राजस्थान की आबादी अपना सीएम राजस्थान के अंदर चाहती है। इस बात को लेकर कहना था कि गुवाहाटी के अंदर बैठा, गंगटोक के अंदर बैठा, मद्रास के अंदर भी कहता है प्रत्येक सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे नहीं ऊर्जा दी। कई बार सरकारों से लड़ते लड़ते मैं थक जाता था, तब आवाज आती थी हनुमान जी थको मत, रुको मत, आगे बढ़ो, राजस्थान आपका इंतजार कर रहा है। किसान उस जगह पे किसान कौन को देखना चाहते जो जगह खाली हो गई। और भाई इतना ही भरोसा दिलाता हूं, मैं राजस्थान के किसानों की लड़ाई नहीं, उत्तर प्रदेश हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था तो मैं हरियाणा की धरती पे गया था और राजस्थान के अंदर 300 लोगों ने प्रदर्शन कराए। मैं पहला नेता था राजस्थान का जिन्होंने दिल्ली के अंदर उस समय दिल्ली की सरकार को चेताया था कि आप ये नहीं सोचे कि हरियाणा के जाट अकेले, राजस्थान उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश और दिल्ली के हमारे भाई साथ हैं, अगर आप इनकी बात नहीं मानोगे तो दिल्ली को घेर लेंगे और दिल्ली से बाहर नहीं निकलने देंगे सरकार को। और भाइयों उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम चले उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक ही संदेश आपको दूंगा, आप यहाँ पे बैठे हो, हमारे लिए कभी भी कोई काम हो आप हमें याद करना। आसाम में तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और हम सब बैठे, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। इतना ही भरोसा आपको दिलाते हैं कि आधी रात को भी आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित रूप से काम के मामले में आगे की पंक्ति में खड़े मिलेंगे। किसान मजदूर के साथ साथ अगर व्यापारी वर्ग के हितों पर भी कोई कुठाराघात होगा तो हनुमान बेनीवाल व्यापारी वर्ग के हितों की भी वाजिब मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बढ़ रही है रोजगार और महंगाई, दो बड़े मुद्दे हैं, और आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा, यह तय है कि भारत बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। एक जमाना था जब राजीव गांधी अमेरिका गए मिला नहीं और बिना मिले वापिस आ गए, और एक जमाना है जब हाउडी मोदी कार्यक्रम के अंदर प्रधानमंत्री जी गए और 5 घंटे तक राष्ट्रपति साथ रहे और लेने के लिए भी आए, तो विश्व के अंदर भारत का मान बढ़ा है। अब आप लोगों की शिकायतें भी हमसे रहती है कि और काम भी होना चाहिए, रोजगार मिले, किसान की हालत ठीक हो, व्यापारी की हो और मिडिल क्लास की ठीक हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप किन बातों को भी लोकसभा के अंदर मजबूती से उठाएंगे कि राष्ट्रवाद के साथ साथ रोजगार, किसान उत्थान हो। और जैसा वत्सा ने बताया, मेरे भूतपूर्व सैनिक जो एक्स आर्मी में किन परिस्थितियों के अंदर 12,000 फीट ऊंचे, 15,000 फीट ऊंचे और 18,000 फीट ऊंचे और फिर इलाकों के अंदर पहाड़ों के अंदर वो रहके अपने परिवार से दूर रहके किस तरह देश की सुरक्षा सेवा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए हर वक्त हर घड़ी तैयार रहते हैं। इसलिए एक्स आर्मी के मेरे भाइयों के लिए भी हनुमान बेनीवाल बड़ी लड़ाई लोकसभा के अंदर भी लड़ेगा, आवश्यकता पड़ी तो सड़कों पर भी लड़ेंगे। भाई आप सब ने बुला के मान सम्मान किया, गुवाहाटी का जो हमारा कार्यक्रम है आप सबके दर्शन भी हुए, आप सुबह से आज मैंने लगे हो, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि जाट समाज के साथ साथ तमाम समाजों जो हमारे समाज के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, पिछड़े दलित शोषित ओबीसी और छत्तीस कौन जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, न तो देश आगे बढ़ेगा न राज्य आगे बढ़ेगा, लेकिन अपनी कौम आगे चाहूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर अपना लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, ऐसा लक्ष्य प्राप्त करना है कि कोई व्यक्ति नाम ले कि फला कौम का व्यक्ति प्रोपकार के लिए लड़ा, आज जाट रेजिमेंट के गुणगान अगर गाए जाते हैं तो जाट रेजिमेंट की लड़ाई अंबासर और सुभाष चंद्र बोस की फौज की आजादी फौज भी हमारे समाज के जवानों ने उस समय भी बहुत बड़ी कुर्बानियां दी और पंजाब से लेके तो उत्तर प्रदेश तक के इलाके थे यहाँ के जाटों ने, हमारे दूसरे किसान भाइयों ने स्वतंत्रता सेनानी और मुगल सल्तनत से लेके जितने भी आक्रांता दिल्ली के अंदर आए
उनको अगर पीट पीट के दिल्ली से भगाया तो जाटों ने दिल्ली से भगाया तो दिल्ली को क्या मतलब अपना दबदबा रखा। लेकिन चूंकि हम दिल से बोले हैं, अच्छे हैं, जब सत्ता के नजदीक आते हैं तो सत्ता को छोड़ के दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, ये सत्ता दूसरा कोई ले जाता है इसलिए, और यह लड़ लेते हैं आपस के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो अगर ठीक ठाक मामला रहा, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की कमान किसान के बेटों के हाथ के अंदर आएगी और किसान सोच के लोग इस देश के अंदर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के हाथ में मजबूत करने सब लोगों को, आसाम के अंदर आपको इस बात का भी धन्यवाद देंगे कि आपने इन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से यहां से जिताया। और आज 3-4 दिन का हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का दौरा है।